हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ मेधा, मेधा रीडिफाइंड। मैं आपका समर्थ सर लेकर हाजिर हूं आपके लिए क्लास 10th के मैथ्स का अगला लेक्चर। हेलो बच्चों, कुछ दिनों का ब्रेक था, क्यों? क्योंकि आपके पास फिजिक्स के लेक्चर्स आ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के, एंड वाज ऑक्यूपाइड विद 12th के लेक्चर्स अपलोड करने थे। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी 50% सिलेबस निपटा लिया है। बच्चों, निपटा लिया है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। तो आज हम उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में अगले चैप्टर के साथ आपके सामने हैं। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है उनको अंदाजा है कि आखिरी चैप्टर हम लोगों ने कौन सा किया है। कौन सा किया था बच्चों? सर्कल्स। सर्कल्स किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल सर्कल्स किया था, जिनको हम लोगों ने 4 बहुत डिटेल्ड पार्ट में अपलोड किया। हर एक एक थियरम बहुत तोड़ के पकड़ा, हर एक एक सवाल लगाए, तगड़े वाले सवाल लगाए, एडवांस्ड वाले सवाल लगाए, वो सारी चीजें की। इसीलिए आज जो चैप्टर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एकदम उसी से रिलेटेड है। बहुत सारी उसकी बातें तो इस्तेमाल नहीं होंगी, वो फैक्ट्स इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन बहुत सिंपल सा चैप्टर है। आप इससे एक भी नंबर गवा नहीं सकते। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा आपको आदेश, आप इससे एक भी नंबर गवा नहीं सकते। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, मैं इसको 2 लेक्चर्स में निपटा दूंगा, ये मेरी आपको गारंटी। मैं इसको 2 लेक्चर्स में निपटा दूंगा, मतलब हम एनसीईआरटी तो निपटा ही देंगे, जरूरत पड़ी कुछ एडवांस सवालों की तो शायद तीसरे में जाना पड़े, लेकिन वी विल रैप दिस अप बाय 2 लेक्चर्स, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। सो विदाउट एनी फर्दर, विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन द 7th चैप्टर। 50% से आगे बढ़ते हैं और 10th के सिलेबस को उड़ाने की तरफ बढ़ते हैं। आप है समर्थ सर के साथ मेधा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मेधा रीडिफाइंड पर। पीछे आप देख पा रहे होंगे क्लास 10 का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कुछ डायग्राम्स आपके पास टाइटल स्क्रीन पे बने हुए हैं जो आपको इस चैप्टर के डिटेल्स के बारे में बता रहे हैं। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। ये चैप्टर देखिए 2 बेसिक हिस्सों में बटा हुआ। पहले मैं बता दूं है क्या, सर्कल के कुछ हिस्सों के एरिया निकालने की बात हो रही है, ठीक? तो इट इज बेसिकली ब्रोकन इनटू 2 वेरी मेजर पार्ट्स, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ द सर्कल पे एनसीईआरटी के सवाल, उसके एरिया के फॉर्मूले, वो सारी चीजें आज हम निपटा लेंगे। सेगमेंट में तो वैसे ही बहुत बेसिक सवाल आते हैं, अगर आप सेक्टर समझ गए तो सेगमेंट में कुछ है नहीं। So we will be up to that. So area related to circles, class 10, समझ सर के साथ शुरू करते हैं आज की बात। पहली चीज आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहली चीज जो हमको पढ़नी है, सेक्टर ऑफ द सर्कल। छोटी क्लासेस में जब आपको ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस किया गया था तो आपको बताया जाता था कि सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या है। मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा, पिज्जा खाया है कि नहीं खाया है? खाया है पिज्जा? तो पिज्जा को कई स्लाइसेस में तोड़ते हैं। जब आपके पास पिज्जा आता है, ऑर्डर किया आपने डोमिनोज से, पिज्जा हट से, कहीं से भी, वो कुछ स्लाइसेस में आता है कि नहीं आता? आता है ना। फिर लड़ते हैं कि नहीं, 2 स्लाइस मैं खाऊंगा, 1 स्लाइस तुम खाओगे, होता है कि नहीं ऐसा? वो जो पिज्जा का 1 स्लाइस है, वो सेक्टर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत क्लासिक एग्जांपल है, वो बना भी उसी तरीके से। वो बोलते भी पिज्जा स्लाइस, जब आपको हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ पिज्जा डू यू वांट, वो वही है, दैट इज सेक्टर। वो सेक्टर का एकदम परफेक्ट वो रिप्रेजेंटेशन है। कलर हम लेंगे ब्लैक। ठीक, शुरू करते हैं बात। सेक्टर ऑफ द सर्कल होता क्या है, पहले डेफिनेशन के तौर पे समझते हैं, फिर डायग्राम के तौर पे समझते हैं, फिर सेक्टर को तोड़ेंगे अलग अलग हिस्सों में, बहुत सारा काम करेंगे। सेक्टर ऑफ द सर्कल, अ सेक्टर इज अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल या पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक, दैट इंक्लूड्स एन आर्क, एन आर्क, 2 रेडियाई दैट कनेक्ट द आर्क्स एंड पॉइंट्स टू द सर्कल सेंटर। बहुत अच्छा डेफिनेशन है। एक आर्क, सर्कल का आर्क तो पता है ना भाई, सर्कल कहीं बनाते हो तो सर्कल का आर्क पता है कि नहीं? कहीं पे भी कोई भी एक हिस्सा आप ले रहे हो, ये आर्क हो जाता है। दिस इज नथिंग बट आर्क, दैट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, दैट इज आर्क। सो व्हाट अ सेक्टर इज, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ सर्कल दैट इंक्लूड्स एन आर्क, 2 रेडियाई एंड दैट जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेसिक तौर पर सेक्टर होता है, सामने आपके दिख रहा है, ठीक। ये रहा आर्क, फिर मैं आपको बता रहा हूं माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट क्या होता है, नाम से क्लियर हो जाएगा। ये आर्क है, ए बी जो है वो आपका आर्क है, दिस इज बेसिकली द आर्क, ए बी इज द आर्क, दीज आर द रेडियाई, मार्क दे सब कुछ, ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियाई, ये आपका बन गया सेंटर, ये आपका बन गया सेक्टर, ये बन गया आपका सेक्टर। एक आर्क, 2 रेडियाई और इसको सेंटर पे जोड़ते हुए जो हिस्सा सर्कल का बनता है वो सेक्टर हो जाता, ठीक। सो दिस इज इवेंचुअली द सेक्टर, आर्क ए बी, 2 रेडियाई जॉइंड टू द सेंटर इज इवेंचुअली द सेक्टर। परफेक्ट, सिंपल सी डेफिनेशन है, पिज्जा ऐसे ही तो काटते हो, ठीक, नीचे डायग्राम बना हुआ है, ठीक। अब सेक्टर 2 हिस्सों में बटा है,
सेक्टर दो हिस्सों में बटा, एक है पूरा सर्कल, अगर आप सर्कल में से एक सेक्टर निकाल रहे हैं ना तो वो सेक्टर कहलाता है माइनर सेक्टर, और जो बड़ा वाला हिस्सा बचता है सर्कल का वो हो जाता है मेजर सेक्टर। तो नाम से माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा, मेजर का मतलब बड़ा। तो ये जो छोटा वाला सेक्टर बन रहा है ना सर्कल का एक हिस्सा, दिस इज इवेंचुअली द माइनर सेक्टर। व्हाई, आगे आ रहा हूं, व्हाई, बिकॉज इट इज अ स्मॉलर पार्ट, इट इज अ स्मॉलर पार्ट, छोटा है ना सर्कल के रिस्पेक्ट में, ये छोटा हिस्सा है, और जो सर्कल का बचा हुआ हिस्सा होता है वो हो जाता है मेजर सेक्टर। जो सर्कल का बचा हुआ हिस्सा होता है एक्सेप्ट द माइनर सेक्टर वो हो जाता है मेजर सेक्टर। तो जब हम अमूमन तौर पे, यूजुअल तौर पे जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो माइनर सेक्टर की बात करते हैं। जो आपसे एरिया ऑफ सेक्टर पूछेगा ना तो आप हमेशा माइनर सेक्टर के एरिया निकाल रहे हो, ये ध्यान रखना, ठीक, माइनर सेक्टर का एरिया निकाल रहे हो। सो दिस इज इवेंचुअली द माइनर सेक्टर, ये छोटा वाला हिस्सा, ये है आपका बचा हुआ सर्कल का हिस्सा, इज मेजर सेक्टर। पक्का, सिंपल सी बात है, कुछ दिक्कत नहीं, पिज्जा का स्लाइस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, बढ़े आगे बढ़ जाओ। अब आ जाओ मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के डेफिनेशन में। द सेक्टर विद अ लार्जर आर्क, द सेक्टर विद अ लार्जर आर्क इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर। अब ये देखो, ये सर्कल में से मैंने तोड़ा है, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है ये मेजर सेक्टर है भाई, ये पूरा इसका आर्क है, अगर तुम देख पा रहे हो तो ये पूरा इसका आर्क है। अब बताओ ये बड़ा आर्क है कि नहीं है, आपने ब्लैक से देख लिया ना, आपने ब्लैक से, आपको दिख रहा है ना, ठीक, ये देखिए कितना बड़ा आर्क है। तो वो सेक्टर, सेक्टर बन कैसे रहा, सेक्टर बन आर्क से रहा है, आर्क, आर्क ऑफ द सर्कल से। तो जो बड़ा वाला आर्क का हिस्सा होता है वो मेजर सेक्टर बनता है, एंड द सेक्टर विद द स्मॉलर आर्क लेंथ इज इवेंचुअली द माइनर सेक्टर। ये देखो, ये देखो, ये डायग्राम परफेक्ट दिख रहा है, कितना छोटा आर्क है, दिस इज द आर्क। अगर एक सर्कल के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो ये बहुत छोटा आर्क है भाई, सर्कल की बाउंड्री के रिस्पेक्ट में सोचोगे छोटा आर्क है। सो द सेक्टर विद द स्मॉलर आर्क लेंथ इज इवेंचुअली द माइनर सेक्टर। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत इसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, सर्कल का बड़ा वाला हिस्सा, टूटा हुआ बड़ा हिस्सा इज मेजर सेक्टर, छोटा हिस्सा इज माइनर सेक्टर। बढ़े आगे बढ़ जाओ सर, सेक्टर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट, पूरा खेल इसी पे टिका, एरिया सेक्टर निकाल रहे हो, बिना एंगल के कुछ नहीं होगा, ठीक। द एंगल, सेक्टर एंगल, ठीक, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते फिर डायग्राम देखते, बहुत सिंपल है। The angle subtended, subtended मतलब जो गिरा रहा है, subtended का मतलब जो बना रहा है या गिरा रहा है। The angle subtended by the arc at the center of the circle is known as the sector angle. The angle subtended by the arc at the center of the angle is known as the sector angle. ये देखो, ये देख रहा हूँ, ये डायग्राम दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिख रहा, ये देखो ये आर्क है ए बी, ये ए बी, ये आर्क है ए बी, ये कितना एंगल बना, जब आप इसको जोड़ोगे ना, जब आप उस आर्क और रेडियस को मिलाकर सेंटर से जोड़ोगे तो एक एंगल बनेगा दोनों रेडियस के बीच में, वही है सेक्टर एंगल, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ आर्क, आर्क जो एंगल, तो आर्क जो एंगल सेंटर पे गिरा रहा है, आर्क जो एंगल सेंटर पे गिरा रहा है वो है सेक्टर एंगल, ये है सेक्टर एंगल, दिस इज सेक्टर एंगल। सो द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दोनों रेडियाई को मिला के और आर्क को मिला के जो एंगल बन रहा होगा ना दोनों रेडियाई के बीच में, वो इवेंचुअली सेक्टर एंगल हो जाता है, वो इवेंचुअली सेक्टर एंगल हो जाता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर सेक्टर इज थीटा। अब यूजुअल तौर पे हम लोग हमेशा जब सेक्टर एंगल की बात, मैं वही बोल रहा हूं, सेक्टर की बात कर रहे हो तो माइनर सेक्टर की बात कर रहे हो, जब सेक्टर एंगल की बात कर रहे हो तो माइनर सेक्टर जो एंगल बना रहा है उसकी बात कर रहे हो। सो द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर सेक्टर इज थीटा। पक्का, आप दिमाग लगाओ, बताओ मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा, दिमाग लगाओ और बताओ मेजर एंगल का, मेजर सेक्टर का एंगल कितना होएगा, दिमाग लगाइए और बताइए कि मेजर सेक्टर का एंगल कितना होगा। भैया सेंटर पे एंगल 360 बनता है ना, 360 में से थीटा घटा दोगे तो कितना बनेगा, 360 माइनस थीटा। So if the angle subtended by the minor sector is theta, then the angle subtended by the major sector is always going to be 360 minus theta. The angle subtended by the major sector is always going to be 360 minus theta. बात समझ गए? पक्का? Sector angle क्या है? Arc जो angle center पे गिरा रहा है, बना रहा है radius की मदद से, वो sector angle है. Minor sector का angle अगर theta है तो मेजर सेक्टर का एंगल 360 माइनस थीटा हो जाएगा। पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना थीटा के कुछ बात नहीं बनेगी। पक्का, बढ़े आगे।
बड़ो सर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, यही तो खेल है, यही तो पूरा चैप्टर टिका हुआ, एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक, एरिया ऑफ द सेक्टर की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मैं माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूं। सो एरिया ऑफ द सेक्टर, पहले फॉर्मूला पकड़ लेते हैं फिर समझते हैं आया कैसे, बताऊंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, सब बताऊंगा कैसे आया है। द एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन एज फॉलोज, ए इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री बाई इनटू पाई आर स्क्वायर, जहां पे थीटा इज दी, बहुत स्पेसिफिकली लिख के लाया हूं इसीलिए, वेयर थीटा इज दी सेक्टर एंगल सबटेंडेड बाई दी आर्क्स एट दी सेंटर। थीटा क्या है? सेक्टर एंगल, अभी जो पिछले स्लाइड पे बड़े बच्चों, वही थीटा, वही थीटा है, वही थीटा है। थीटा सबको पता है ना, ग्रीक सिंबल है, एंगल जो इस्तेमाल होता है सबको पता है, ठीक है, वही थीटा है, सेक्टर एंगल। एंड आर इज नथिंग बट दी रेडियस ऑफ दी सर्कल। तो इसमें दो ही फॉर्मूला, दो ही सिंबल्स यूज हुए हैं, थीटा आर, थीटा आर। सो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कई जगहों पे आपसे रेडियंस में बात करता, आप उस चक्कर मत पड़िए, टेंथ में भी रेडियन वेडियन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बता रहा हूं आया कैसे है, अब बता रहा हूं आया कैसे। ये एरिया का फॉर्मूला रट लीजिए, ये एरिया का फॉर्मूला रट लीजिए, ये पूरा चैप्टर इसी पे टिका, सब कुछ इसी से निकले, कुछ नहीं करना है, एक ही फॉर्मूला है बच्चों, कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, लेकिन अब समझते आया कैसे, आओ अब समझते हैं, लेकिन आया कैसे समझते आओ। अब आप देखो, ये एक सेक्टर है जिसका मैं एरिया निकाल रहा हूं, सेक्टर एओबी, सेक्टर एओबी। क्या फॉर्मूला पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर एओबी का हम लोगों ने, क्या फॉर्मूला पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर एओबी का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक बात है। सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों, सर्कल का एरिया, अगर सर्कल का रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, ये सब बताना पड़ेगा क्या, छोटी क्लासेस से 8 से करते आ रहे हैं, सब बताना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल। सेक्टर क्या है, सेक्टर क्या है, सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा। कौन बना रहा है वो टुकड़ा, सेक्टर का एंगल। कौन बना रहा है वो टुकड़ा, सेक्टर का एंगल। तो जितना थीटा बनाएगा, जितना बड़ा थीटा होगा उतना बड़ा सेक्टर बनता जाएगा, उतना बड़ा सेक्टर का एरिया होता जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, अगर थीटा में थोड़ा बड़ा कर दूं, ये थीटा कर दूं, सेक्टर बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, सही आराम से देख के बताइएगा। अगर मैं थीटा थोड़ा बड़ा कर दूं तो सेक्टर ये हो गया कि नहीं हो गया, अगर मैं थीटा थोड़ा और बड़ा कर दूं सेक्टर ये हो गया कि नहीं हो गया, अगर मैं थीटा थोड़ा और बड़ा कर दूं तो सेक्टर ये बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सोच के आराम से बताइए। जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा सेक्टर, जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा सेक्टर, तो जितना बड़ा सेक्टर उतना बड़ा एरिया, जितना बड़ा सेक्टर उतना बड़ा एरिया। इट इज बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द थीटा, दैट इज द सेक्टर एंगल, इसीलिए फॉर्मूले में आया है। अब बता दो क्या मतलब है फॉर्मूले का, बता दो। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूले में कैन आई नॉट राइट इन टू 360 डिग्री बाई 360 डिग्री लिख दूं, कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मैथ्स की बहुत बेसिक बात, कोई दिक्कत नहीं। क्यों लिख रहे हो सर, क्यों लिख रहे हो, ये बात बताते हैं। जब मैं पूरे सर्कल के एरिया की बात कर रहा हूं तो लेंथ सॉरी जब मैं पूरे सर्कल की एरिया की बात कर रहा हूं तो आर्क कितना बड़ा है, पूरा सर्कल की बाउंड्री, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है ये पूरा आर्क, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, पूरा 360 डिग्री। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर सर्कल, यू विल कंसीडर दैट इट इज एन आर्क दैट इज सबटेंडिंग एंगल 360 डिग्री एट द सेंटर, वो पूरा 360 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अब इस थीटा के फॉर्मूले में अगर मैं 360 बाई 360 डाल दूं, थीटा थ्री, एंटायर सर्कल की जब मैं बात कर रहा हूं ना, एंटायर सर्कल की जब बात कर रहा हूं तो थीटा 360 हो जाता है, थीटा 360 हो जाता है। ठीक,
तो ये फॉर्मूला यहां से निकल कर आया पाई आर स्क्वायर इंटू 360/360। अब जो भी एंगल बनाएगा 360 उसको रिप्लेस कर देगा, जो भी एंगल बनाएगा 360 उसको रिप्लेस कर देगा। अगर एंगल हुआ, 180, एक और बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको, रुकिए, ठीक। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? सेमी सर्कल का एरिया कितना, सबको फॉर्मूला पता है, सर्कल का आधा। कैसे आया है, कैसे आया है बच्चों? सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है? 1/2 πr². कैसे आया है? इसी फॉर्मूले से आया है, बचपन में नहीं पढ़ा सकते थे आपको, इसी फॉर्मूले से आया है। सेमी सर्कल का मतलब आर्क कितना सेक्टर, आधा सर्कल। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे? 180 डिग्री, 180 डिग्री सबटेंड कर रहा है, 180 डिग्री। इस फॉर्मूले में डालो थीटा की वैल्यू 180, डालो 180/360 × πr², क्या हो जाएगा? 1/2 πr². यही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, यहां से निकल कर आया फॉर्मूला। सो द एंटायर सर्कल का एरिया हो जाता है πr², बिल्कुल सर। क्यों होता है πr², क्योंकि एंगल जो है वो 360 सबटेंड हो रहा है सेंटर पे, 360 डिग्री सबटेंड हो रहा है। तो अब जितना छोटा होता जाएगा सेक्टर, उतना 360 से घट के थीटा आता जाएगा, यहां पे वैल्यू हो गई। जब सेमी सर्कल बना तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 180 डिग्री। अभी आगे सवाल में भी इसे इस्तेमाल करेंगे, एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 180 डिग्री। वहीं से बात निकल कर आई। अगला जो फॉर्मूला कराने वाले एकदम इसी पे है, बात समझ गए पक्का? आपको प्रूफ के चक्कर में पढ़ना नहीं है, लेकिन हम जब आप मेधा रीडिफाइंड के चैनल पे हैं तो आप कोई बात बिना समझे नहीं जाएंगे, तो आप कोई बात बिना समझे और रट के आगे नहीं निकलेंगे, ठीक? ये बात ध्यान रखिएगा। बिकॉज इन द एंटायर सर्कल थीटा इज 360 डिग्री, दैट इज वाई द एरिया टेंड्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर, और वहां से वो रिप्लेस हो गया। बात समझ गए? एंटायर सर्कल को मैं ये लिख सकता हूं, तो कोई भी सेक्टर का एंगल थीटा होगा, वहां से बात बन जाएगी पक्का। बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ आर्क बहुत इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में नॉट वेरी श्योर अबाउट ये फॉर्मूला दिया है कि नहीं दिया है, सवाल आएंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क इज गिवन एज, एकदम वही फॉर्मूला है और एकदम वही लॉजिक है, एकदम वही फॉर्मूला है और एकदम वही लॉजिक है। थीटा इंटू 360 इंटू 2πr, थीटा इंटू 360 इंटू 2πr। क्यों सर πr² नहीं आ रहा है, क्यों 2πr? भैया आर्क की जब लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, इसको मैं आपको समझा देता हूं, इसको मैं आपको बढ़िया समझाता हूं, आइए, ठीक। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब क्या हो? कोई मान लीजिए ये सेंटर था, ये आर्क है AB, ये आर्क है ना, ये आर्क है। आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? आप कैलकुलेट कर रहे हो कि इसकी लंबाई कितनी है, ये किस चीज का पार्ट है। जैसे सेक्टर सर्कल का पार्ट था पूरा, ये किस चीज का पार्ट है? आर्क इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द सर्कल की बाउंड्री का, सर्कल की सर्कमफेरेंस का पार्ट है। आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, पक्का, ठीक। अब मुझे बताओ, तो मतलब ये सर्कल के सर्कमफेरेंस का छोटा हिस्सा है। जब सर्कल के सर्कमफेरेंस को मैं कई हिस्सों में बांट दूंगा तो मुझे कई सारे आर्क्स मिल जाएंगे। जितना बड़ा करता जाऊंगा थीटा, उतना बड़ा आर्क बनता जाएगा। जितना बड़ा करता जाऊंगा थीटा, उतना बड़ा आर्क बनता, जितना बड़ा करता जाऊंगा उतना बड़ा आर्क बन जाएगा। फॉर्मूला आया कैसे? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बताना पड़ेगा? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 360/360? बिल्कुल। क्यों? जब सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो पूरे सर्कल पे घूम रहे हो, सेंटर पे एंगल बन रहा है 360 डिग्री। बात है बहुत सिंपल, सेंटर पे एंगल बन रहा है 360 डिग्री, इसीलिए थीटा की पोजीशन, फॉर्मूला क्या पढ़ा हम लोगों ने, थीटा बाई 360 इंटू 2πr, थीटा बाई 360 इंटू 2πr। जब पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो थीटा कितना हो गया 360, जब पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर रहे हो तो थीटा कितना हो गया 360 डिग्री, यहां से बात आ गया। तो जितना छोटा आर्क उतना छोटा, जितना छोटा एंगल सेक्टर का उतना छोटा लेंथ ऑफ आर्क, जितना बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एंगल वैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ता जाएगा। यहां से निकल कर आया फॉर्मूला, यहां से निकल कर आया है फॉर्मूला। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, सच बताइएगा। सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा,
सेमी सर्कल के सर्कमफेरेंस से इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। दो फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने हैं, सेक्टर एरिया और लेंथ ऑफ द आर्क, सेक्टर एरिया लेंथ ऑफ द आर्क। लेकिन यही पे एक छोटी सी बात बता देता हूं, मेजर सेक्टर का तो बताए ही नहीं सर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला तो बताए ही नहीं। क्या जरूरत है फॉर्मूले की? जरूरत है फॉर्मूले की? बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों जरूरत है फॉर्मूले की? बिल्कुल जरूरत नहीं है। बनाओ सर्कल, ये रहा सेंटर, ये रहा कि नहीं सेंटर? बिल्कुल। ये है छोटा वाला सेक्टर, माइनर सेक्टर? बिल्कुल। कौन सा एरिया निकालना है? मेजर सेक्टर मतलब ये एरिया निकालना है। निकालना है बच्चों कि नहीं? यही एरिया तो निकालना चाहते हो? डायग्रामेटिकली देखो और बताओ कि क्या हो रहा है। डायग्रामेटिकली देखो और बताओ क्या हो रहा है। बहुत सिंपल सी चीज हो रही है। क्या हो रही है भैया? पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को तो घटा रहे हो। पूरे सर्कल में से माइनर सेक्टर के एरिया को घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे हो? बिल्कुल। सो एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर इज एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। डू वी नीड अ फॉर्मूला फॉर दिस? नो, वी डू नॉट नीड अ फॉर्मूला फॉर दिस। दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेना, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री, खेल खत्म, कुछ करना नहीं है। तो माइनर सेक्टर का एरिया निकालना, मेजर सेक्टर के एरिया को घटा देना, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे सिर्फ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला पूछता है, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे तब भी। एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको सेक्टर एंगल थीटा दिया हुआ है, यही से बात निकल कर आएगी, इसीलिए लिखा हूं। अगर आपसे माइनर सेक्टर के बाद पूछ रहा है मेजर सेक्टर का एरिया, तो ऐसे निकाल देना, सर्कल का एरिया निकालना और ये कर देना, ठीक। लेकिन आपसे अगर अकेले मेजर सेक्टर का एरिया पूछ रहा है, वही बात जो माइनर सेक्टर में अप्लाई कर रहे थे, सेक्टर एंगल में बात ऑलरेडी बताई है, क्या कि अगर सेक्टर एंगल थीटा है तो मेजर सेक्टर का एंगल कितना होएगा? 360 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? सो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो, कि अगर सेक्टर एंगल थीटा है, ठीक, अगर सेक्टर एंगल थीटा है तो आप सिंपल भी लिख सकते हो 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला हो जाए। तो अगर आपसे सिर्फ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला पूछ, एरिया पूछ रहा है, तो फिर आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको सेक्टर एंगल पता है। थीटा क्या है? थीटा सेक्टर एंगल, थीटा ये है देखो माइनर सेक्टर का एंगल, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, एंगल ऑफ माइनर सेक्टर। इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको कोई बात बहुत डिटेल में बताने की आवश्यकता है नहीं, बेवजह चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है। जितना आसान बना सकते उतना आसान बनाएंगे, ठीक। दो फॉर्मूले दोनों आपके सामने हैं, लेट्स चेक कुछ समझ आया क्या। लड़का जो सामने आपको दिख रहा है वो यही कह रहा, पढ़ा तो सब दिए हो, सवाल लगवाओ तो जाने। वो यही कह रहा, पढ़ा तो सब दिए, सवाल लगवाओ तो जाने। आ जाओ, मैं नहीं लगाऊंगा, लगाएंगे आप सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, ये शुरू करिए, सिंपल सी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। पक्का डायग्राम तो बिना बनाए समर्थ सर कोई काम करते नहीं है। ये तो ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फेसेट है मैथ्स को करने का, कि मैं बिना डायग्राम के कोई काम नहीं करता। ये है डायग्राम। अब जो पीछे पढ़े हो लगाओ उस पर, क्या क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया है सर्कल का, बिल्कुल, कितना? 4। बिल्कुल। सेक्टर एंगल दिया है, बिल्कुल, 3। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, देखिए आपने सेक्टर पूछा इसलिए माइनर सेक्टर नहीं, सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, ठीक। सो सेक्टर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके सर, 30 डिग्री, थोड़ा सा लाइट कर लो, 30 डिग्री। रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर या माइनर सेक्टर कुछ भी बोल लो, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर मत बोलना कि बताया नहीं, क्यों नहीं बताया, फॉर्मूला नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा। आपसे सवाल में हो सकता है बोला यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 या 22/7, जो बोला होगा वो यूज कर लेना, ठीक, जो भी बोला होगा यूज कर लेना। उठाओ
फॉर्मूले में डालो, बच्चों वाला काम है कि नहीं सच बताना। आओ पाई की वैल्यू हम तो 22/7 ही लेंगे, इंटू आर स्क्वायर 4 × 4। पक्का? पक्का। काट दें? काट दो। कितना हुआ? 12। पक्का? पक्का। कोई समस्या? ये सब बताना पड़ेगा? आई गेस नहीं बताना पड़ेगा। 13 × 12 = 360, 0 काटा 312 सर। और कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है सर, 3 times। पक्का? पक्का। और कुछ नहीं हो रहा। कितना हो जाएगा? 22 × 4 / 3 × 7। कुछ कटवट रहा नहीं है तो 88/21। परफेक्ट सर, 88/21। अब ये वैल्यू मुझसे निकलवाओगे? ये वैल्यू मुझसे निकलवाओगे? कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूं? एक बार चेक कर लू। 12 * 3 नहीं, θ/360 × π² परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 4 cm का रेडियस था ना, परफेक्ट है, ठीक है। 88/21 इसकी वैल्यू कुछ 4 पॉइंट लॉक कर ही देता हूं आप लोग के लिए। 88/21 4 × 84 40 पॉइंट लगाया 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और द सेक्टर, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और द सेक्टर इज 4.1। एकदम सिंपल बच्चों वाला काम है कि नहीं सच में बताइए? एकदम सिंपल बच्चों वाला काम है कि नहीं बताइए सच में? बिल्कुल एकदम बच्चों वाला काम है। थीटा पता चल गया, आर पता, उठाओ फॉर्मूले में डालो। और कुछ पूछ रहा है? बिल्कुल, करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी एरिया पूछ रहा है, करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का भी एरिया पूछ रहा है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस जो एरिया निकला है, एरिया ऑफ, कहां लिखे, कहां लिखे, यहां लिख दे ऊपर, यहां लिख दे, बिल्कुल लिख दो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर माइनस जो माइनर सेक्टर का एरिया निकला, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख दे रहा हूं, ऑफ माइनर सेक्टर। बच्चों पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 22/7 × 16 माइनस 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये मैंने कैलकुलेट कर दिया है, ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये आप कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा प्लीज, ठीक। ये कुछ 3.14 आएगा। अगर आपको ये भी यूज करना ना, इसको 3.14 × 16 माइनस 4.19 लिख, अब ये कैलकुलेट कर लेना। अगर ये मुझसे कराओगे बहुत टाइम लग जाएगा, कोई मतलब है नहीं, ठीक। बढ़ जाए आगे, बढ़ो सर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। ना रेडियस दिया है, न थीटा दिया है, कैसा सवाल लेके आ गए हो? बहुत बढ़िया सवाल लेके आए हो, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, कुछ नहीं सोचना। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। भैया सर्कमफेरेंस पता है तो रेडियस नहीं निकाल लोगे? रेडियस निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, सच बताना? बिल्कुल निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, सर्कमफेरेंस दिया है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है भाई? क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? 1/4 बात की है ट्रिग्नोमेट्री में, 1/4 ऑफ अ सर्कल। अब अगर 1/4 ऑफ अ सर्कल क्वाड्रेंट है तो एंगल कितना सबटेंड होगा? क्वाड्रेंट का मतलब बच्चों 1/4 ऑफ सर्कल, 1/4 ऑफ अ सर्कल। आई गेस ये बात सबको पता होगी। एंगल कितना हो जाएगा? खेल खत्म, 90 degrees, 360/4। अगर 1/4 है सर्कल का तो एंगल भी 1/4 ऑफ द एंटायर सर्कल होगा, मतलब 90 degrees। सेक्टर एंगल कितना हो गया? 90 degrees। रेडियस पता लगा? नहीं पता। लगाओ कलर, लेते हैं ब्लू, कोई बढ़िया कलर है क्या? दिखेगा? नहीं दिखेगा, ब्लैक से ही करो, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए जिंदगी में। चले ठीक, हमको क्या दिया हुआ? सर्कमफेरेंस। रेडियस चाहिए, अभी तुरंत निकाल देते हैं। रेडियस चाहिए, सर्कमफेरेंस होता है 2πr। कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। अरे वाह, कुछ बचा ही नहीं। तो 2 × π 22/7 × R is equal to 22, बहुत बढ़िया। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 काट दो, काट दो। तो 2/7 R is equal to 1, R की वैल्यू 7/2,
या 3.5 सेंटीमीटर, मेरी गुजारिश आपसे यही है कि 7/2 इस्तेमाल करिएगा। आर की वैल्यू 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर, क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। लगाओ फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सब कुछ है अपने पास, कुछ नहीं चाहिए। 90/360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू इसीलिए कह रहा था 7/2 इस्तेमाल करना, कट जाएगा। आर की वैल्यू इसीलिए कह रहा था 7/2 इस्तेमाल करना, कट जाएगा। 4 बिल्कुल, 7 7 बिल्कुल, 11 11 बिल्कुल, 77/8 अगर मैं गलती, 94 से 360, 22 और एक बार 11 कटा और 77 कटा, 1 2 नीचे बचा 4, 77/8 दिस इज नथिंग बट 8 9 72.50 ना, तो 50 50 50 50, 9 5 45 50, 9.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is your area, बहुत आसान तरीके से। अगर कुछ गलती नहीं कर रहा हो तो, आई गेस गलती नहीं कर रहा हूं, थीटा बाई 360, 90/360 परफेक्ट है। समझना क्या था, सवाल इनडायरेक्ट नहीं था, बिल्कुल। क्वाड्रेंट 1/4, सेक्टर एंगल 90, सर्कमफेरेंस दिया, रेडियस हंसते खेलते निकाल दोगे, बहुत काम किया बचपन में ये, ध्यान रखना। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। पहला सवाल, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कराया हूं, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला कराया, जो जो चीजें दी हुई है पहले लिख लो। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 54 पाई, मिस मत करना, जानबूझ के दिया आपका काम आसान करने के लिए, 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, परफेक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 54 पाई दिया हुआ है, खेल आधा खत्म हो चुका है। रेडियस दिया है, बिल्कुल, कितना 36 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। पाई और पाई काट, अच्छा पहले फॉर्मूले में डाल देते हैं ना, ये गलत तरीका हो जाएगा, पहले लिख देते हैं। सो पाई की वैल्यू मत डालना, 36 इंटू 36, थीटा दिया है, नहीं थीटा ही निकालना है बच्चों, थीटा बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 54 पाई। अब काटो पाई पाई, अब काटो पाई पाई, ठीक, 36 और 360 कट के 10 हो जाएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया। आओ थीटा निकाला जाए, तो 36 थीटा बाई 10 इज इक्वल टू 54, थीटा की वैल्यू चाहिए 10 इंटू 54 अपॉन 36, कुछ कट रहा है, 18 टाइम्स जाएगा, टेबल वेबल नहीं याद होगी तो जिंदगी मुश्किल तो हो ही जाएगी, 15 डिग्री बच्चों, थीटा कितना है 15 डिग्री। क्या किया, सेक्टर ऑफ एरिया का फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, पाई के टर्म्स में दिया है, पाई काटना इसीलिए दिया हुआ है, वैल्यू डाली, रेडियस 36 सेंटीमीटर था, थीटा 15 डिग्री हो गया। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, बहुत आसान तरीके से काम हो रहा है, ठीक। थीटा मिल चुका है, बिल्कुल, 15/360 बिल्कुल, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना मिला 36, काटो काटो 10, और बताओ काटो काटो 2, और बताओ काटो काटो 2, और बताओ क्या मिला, 3 इंटू 22/7। मैं जो वैल्यूज काट रहा हूं आपको दिखना चाहिए, जो जो मैं काट रहा हूं, 36 से 360 काटा 10, 15 और 10 को काटा 5 से 3/2, 2 और एक 2 काट दिया, बचा 22 इंटू 3/7, 66/7। आप ये वैल्यू निकाल लेना, कुछ आएगी 9.43 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, कंफ्यूज मत होना, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट सवाल, बात समझ गए, आई गेस बात समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ है नहीं। आपको एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया था, लेंथ ऑफ आर्क मतलब आपको थीटा निकालना था सवाल में, थीटा निकाल लिए, खेल खत्म, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा सवाल, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स, प्लीज हैव अ लुक एट दिस सवाल, बहुत अच्छा। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स।
घड़ी सबने देखी है, स्मार्ट वॉच नहीं, दीवाल वाली घड़ी, ये एनालॉग वॉच की बात हो रही है, स्मार्ट वॉच नहीं, उससे कैसे पता लगेगा, दीवाल वाली घड़ी। ठीक, बनाई जाए, बनाओ, बनाई जाए, बनाओ, ठीक, परफेक्ट। ठीक, अभी आपको समझ आ जाएगा 15 मिनट का मतलब कितना होता है। मिनट हैंड की, मिनट हैंड का लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये रहा आपका मिनट है, ऐसी होती है ना घड़ी, ऐसी होती है कि नहीं घड़ी, ऐसे मार्क होता है ना, पहले मैं बना ही देता हूं, ऐसे लिखा होता है ना 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही बना होता ना, ऐसे ही बना होता घड़ी, ऐसे बनी होती कि नहीं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल है। सेंटर ये है मिनट हैंड, और कोई मैं ले नहीं रहा हूं क्योंकि मिनट हैंड पे बात हुई है, ये है मिनट हैंड, कितना है लेंथ, कितना है लेंथ, 14 सेंटीमीटर, किस चीज का काम कर रहा है मिनट हैंड, पूरा ले जाऊं क्या तभी बात समझ आएगी, पूरा ले जाऊं, ये है मिनट हैंड, कितना दिया हुआ लेंथ, 14 सेंटीमीटर, सर्कल में किस चीज का काम कर रहा है, रेडियस का, बहुत बढ़िया। 15 मिनट का मतलब कितना, ये आपको समझना है, वो मैं निकलवा भी रहा हूं, लेकिन आप डायग्रामेटिकली पहले समझ, 15 मिनट मतलब यहां पहुंच गया, 15 मिनट का मतलब यहां पहुंच गया। अब आप सही में देख के बताइए, क्या आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, क्या आपको ये पता लग रहा है कि नहीं पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल है, बिल्कुल है सर, कुछ सोचना है, बिल्कुल नहीं। कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, मैं करके भी दिखा रहा हूं, वो यही पूछ रहा है कि कितना एरिया इसने कवर किया 15 मिनट में, कितना एरिया इसने कवर किया 15 मिनट में, मतलब कितना एरिया हुआ सेक्टर का जब बन रहा है, कितना एरिया हुआ सेक्टर का जब बन रहा है, यही बात हो रही है, बहुत सिंपल है। ठीक, सो व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, सो द मिनट हैंड, सो मिनट हैंड इज लाइक रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितनी वैल्यू दी हुई है, 14 सेंटीमीटर का लेंथ है, मतलब आर हो गया 14 सेंटीमीटर। अगली चीज हमको क्या चाहिए, थीटा। आइए समझिए कैसे, इन वन आवर दैट इज 60 मिनट, कितना एंगल कवर करता है मिनट हैंड, पूरा चक्कर घूम, 60 मिनट में पूरा घूम जाएगा कि नहीं घूम जाएगा, घूम जाएगा, कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री, एंगल कवर्ड, जिन्होंने घड़ी देखी उनको पता होगा, कवर्ड बाय मिनट हैंड इज 360 डिग्री, परफेक्ट। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, पक्का, एक मिनट में कितना कवर करेगा, 360 बाई 60, पक्का, कट के कितना हुआ, 6 डिग्री। ये बात समझ, यूनिटरी मेथड बहुत किया भाई क्लास 8th में, 60 मिनट में 360 डिग्री, एक मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट्स में कितना कवर करेगा, 15 × 6 डिग्री, दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री। बच्चों यही तो निकालने की बात हो रही, यही तो निकाल के आपको मैंने पहले दिखा दिया, लेकिन मैथमेटिकली भी समझाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी है, एक घंटे में मिनट वाली हैंड 360 डिग्री कवर कर रही है, एक घंटे में मतलब 60 मिनट में, तो एक मिनट में कितना कवर करेगी, 6 डिग्री, 360 बाई 60, तो 15 मिनट में कितना कवर करेगी, कुछ नहीं करना, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख लूंगा, एरिया कवर्ड थीटा बाई 360, 90 बाई 360 इंटू पाई 22/7 इंटू 14 × 14, आर की वैल्यू 14 थी पहले लिख दिया हूं, ठीक, कुछ कट रहा है, बिल्कुल 94 था, बिल्कुल, कुछ और कट रहा है, 72 था, बिल्कुल, कुछ और 22 था, बिल्कुल, कुछ और 7 था, क्या हो गया 22 × 7 = 14, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गाइस। बड़े देर बाद कोई वैल्यू होल नंबर में आई है, बहुत खुशी की बात है, ताली बजाइए सब लोग, चले, बड़ी देर बाद कोई वैल्यू मिनट हैंड, बहुत अच्छा सवाल है, आपको रेडियस, मिनट हैंड रेडियस की तरह, सर्कल ही तो है घड़ी, मिनट हैंड रेडियस की तरह काम कर रहा है, थीटा निकाल लोगे इस लॉजिक से, डायग्राम में पहले दिखा चुका हूं, फिर तो आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना था, केक वॉक है सवाल, घबराइएगा नहीं। बढ़े आगे, एनसीईआरटी का बहुत क्लासिक सवाल है, बहुत क्लासिक सवाल है एनसीईआरटी का, ध्यान रखिएगा, ठीक, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास, फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, डायग्राम आपको दिख रहा है, बाई मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, लेंथ ऑफ द साइड
15 मीटर बाय अ रोप, ठीक है, रोप, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। बहुत आसान है, देखो मैं तुम्हारे लिए डायग्राम फिर से बना दे रहा हूं, फिर मैं आप तो वो बहुत आराम से कर देंगे। ये खड़ा है घोड़ा, ठीक, उसकी एक रोप है 5 सेंटीमीटर लेंथ की, उसके गले में लगी हुई है। कितना एरिया वो कैलकुलेट, वो यही पूछ रहा है वो कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा, कितना एरिया ग्रेज कर पाएगा। ऐसे ही तो देखो, ये डायग्राम ऐसे ही तो बन रहा है, ये रोप है सॉरी मैंने गलत बना, वो यहां पे चलना शुरू करेगा और ऐसे 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 करता इतना ही ग्रेज कर पाएगा। कितना ग्रेज कर पा रहा है, कितना ग्रेज कर पा रहा है, देख के कितना ग्रेज कर पा रहा है भाई। आप देखो स्क्वायर में है ना, तो वो सेंटर से ऐसे चलता हुआ ऐसा जा रहा है, कितना ग्रेज कर पा रहा है, 90 डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। अब कौन सा तुम लॉजिकली सोचोगे, या एक मैं आपके लिए डायग्राम थोड़ा बेहतर और बना दे रहा हूं, रुकिएगा, गड़बड़ा, आप परेशान कंफ्यूज जाएंगे। ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक, ये रोप थी, यहां से ऐसे चलना शुरू किया, ये पूछ रहा है कितना ग्रेज कर पाएगा, कितना ग्रेज कर पाएगा। जब ये घोड़ा पूरा घूमे, अगर बाउंड्री, इसके बाउंड्री की बात कर रहा है, मैं आपके लिए पूरा बना दे रहा हूं, अब आप समझेंगे बात। ये बना सर्कल, तो वो इस स्क्वायर फील्ड का कितना हिस्सा ग्रेज कर पा रहा है, इस स्क्वायर फील्ड का बेसिक तौर पे क्वाड्रेंट ग्रेज कर पा रहा है 90 डिग्री। आपको जो चीज पकड़नी है 90 डिग्री। रेडियस कितना है, रेडियस इज नथिंग बट दैट इज व्हाट द रेडियस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रोप, रेडियस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रोप। वही तो घूम रहा है, यही तो घूम रहा है, यही घूम रहा है ना भाई, यही घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, यही घूम रहा है, बात समझ, यही तो घूम रहा है। तो रेडियस का काम कौन कर रहा है, अच्छा मैंने शायद बनाया हुआ है, सो रेडियस का काम इज नथिंग बट लेंथ ऑफ रोप, दैट इज 5 सेंटीमीटर, परफेक्ट। एंगल थीटा कितना हो जाएगा, सेक्टर का ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज क्वाड्रेंट ग्रेस कर रहा है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, That is nothing but 90 degree, जी बिल्कुल। अब क्या निकालना है, कितना एरिया ग्रेज किया, एरिया ग्रेज्ड इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फॉर्मूला इस्तेमाल करो, 90 डिग्री बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू 5 इंटू 5, कट के बनेगा 4, कुछ और हो रहा है, कट के बनेगा 11, और कुछ आई गेस नहीं, 11 इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही हो रहा है, ठीक है, 2 ना, 94 3 2, ठीक है, 11 5 55 इंटू 5 अपॉन 14, ठीक, कितना हो जाएगा 55 इंटू 5 275 ही होगा ना, 275 अपॉन 14, 14 1 14, ठीक, 275 में 14 को आप डिवाइड करेंगे, 135 9 133.7, 14 7 ही बचेगा, 33 के बाद 7 तो नहीं बचेगा, आई गेस कर ही ले क्या, 275 में 14 आइए, 14 1 14, 135 नहीं मैं गलती जाता, 19 133, कितना बचेगा, 20.114, ठीक है, 19.1 समथिंग आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 19.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक, एरिया दैट द हॉर्स कैन ग्रेज इज 19.1 सेंटीमीटर, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया अगर रोप लंबी हो जाए, बहुत बढ़िया, अगर रोप लंबी हो जाएगी तो भैया बड़ा हो जाएगा, अगर रोप लंबी हो जाएगी ना तो ज्यादा एरिया ग्रेज कर पाए, एंगल 90 रहेगा, रेडियस बदल गया, सो इफ इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया ग्रेज्ड, इफ रोप इज ऑफ 10 सेंटीमीटर लेंथ, बहुत सिंपल है, वही फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर 90 बाई 360, आर की जगह आर 5 की जगह 10 हो गया, तो अब आप ये वैल्यू निकाल लोगे, मुझसे मत कराओ, ये वैल्यू निकाल लोगे, 2200 बाई 28, ये आप निकाल लेना, इंक्रीज इन एरिया निकालना, इंक्रीज इन एरिया, प्लीज ये जो वैल्यू आएगी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, वरना आंसर गलत हो जाएगा,
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना वरना आंसर गलत हो जाएगा। मुझे देखने दीजिए वीडियो कितनी हुई, हम एक दो सवाल और ले सकते हैं, बहुत आसान थे, फिर मैं आपको एक दो होमवर्क देके जाऊंगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सेक्टर का एप्लीकेशन है, 90 डिग्री बना रहा है, क्वाड्रेंट ग्रेस कर रहा है। दूसरा पार्ट था इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, बढ़ जाओ आगे। बहुत बढ़िया सवाल, ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत सिंपल। एन अम्ब्रेला इज 8 रिब्स, सबने छाता देखा ही है, ऐसे होता है। सेक्टर के फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। हैज 8 रिब्स इक्वली स्पेस सी फिगर एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। वो कह रहा है कि अम्ब्रेला का जो सर्फेस है उसको मान लो कि सर्कल है, उसको मान लो कि सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, देन द एरिया बिटवीन एनी टू रिब्स ऑफ द एनी टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द, इसीलिए डायग्राम साइड में बनाया गया, एनसीईआरटी का सवाल है। किसी दो रिब के बीच में ये आपको एरिया निकालना है, ये रेडियस की तरह काम कर रहा है, ये अगर आप देख पा रहे हो तो ये रेडियस की तरह काम कर रहा है 45 सेंटीमीटर, ठीक। आपको ये एरिया निकालना है, दिख रहा है इन दोनों रिब के बीच में। रिब मतलब आपने छाता देखा है ना, अम्ब्रेला में आप देखते होंगे कि ऐसे स्टील के वायर्स लगे होते हैं, वो लगे होते हैं, वो दो रिब है, रिब है वो, उन दो रिब्स के बीच में कितना एरिया आ रहा है वो इवेंचुअली आपको निकालना। इवेंचुअली इसका मतलब आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, बहुत बढ़िया, ठीक। रेडियस अपने पास है, फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर दिया है, थीटा नहीं है सर, थीटा लेके आओ, थीटा नहीं है, ले आऊं। एंड हैज 8 रिब्स, 8 इक्वल रिब्स, 8 रिब्स इक्वली स्पेस्ड, 8 रिब्स इक्वली स्पेस्ड, पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360, सो एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन टू रिब्स दैट इज सेक्टर एंगल जो हमको चाहिए, दैट इज थीटा इज नथिंग बट 360/8। भाई 8 है ना, बांट दो 8, ये 8 ही तो बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल 360/8 जाएगा 45, अरे शाबाश 45 ही आ गया, गुड, 8 4 32 40 45 डिग्री, ठीक। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बिटवीन टू रिब्स इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला आपके सामने है, 45/360 45 डिग्री है सेक्टर एंगल, 45/360 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45, रेडियस पहले दिया हुआ है, ये हो जाएगा 8, अभी कटा है, ठीक। एक बार और काट दो 4, हो जाएगा 11, कोई फायदा है, बिल्कुल नहीं। इतनी बड़ी कैलकुलेशन, 45 का स्क्वायर अपॉन 28, 45 का स्क्वायर अपॉन 28, ये तो करके दिखाना पड़ेगा। 45 का स्क्वायर देखिए, मुझे याद है, शायद आपको याद ना हो लेकिन मुझे याद है, 45 का स्क्वायर होता है 2025, कभी मौका मिला तो शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, अपॉन 28, ठीक है जी। मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ, 11 5 55 5 कैरी, 11 2 22, 27 2 कैरी 2, 11 2 22, और हैंग करेगा, नहीं, रुक जाएगा, आराम से हैंग नहीं कर रहा है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी हैंग नहीं कर रहा है, परेशान नहीं होना, देखिए चल गया, ये भी तो परेशान हो जाता है, ये भी तो परेशान हो जाता है, ठीक। एरिया ऑफ द रोप, ये मत करना कि मैंने नहीं लिखा है, वेयर इज द पेज, गिव मी मोमेंट, गिव मी मोमेंट, आई होप यू गाइज वुड हैव नोटेड, आई होप यू गाइज वुड हैव नोटेड वो वाला, मैं यहां आपके लिए फिर से कर दूं, आपको दिखाई दे रहा है, शूटिंग चल रही है, बिल्कुल हम लोगों ने यही लिखा था यार, कोई बात नहीं। एरिया बिटवीन टू रिब्स हम लोगों सब लोग निकाल लिया था, आपके पास वो स्क्रीन पे होगा आई गेस, वो पेज कहीं लॉस्ट हो गया है, अगर नहीं हुआ होगा तो देखा जाए, आ गया, बहुत बढ़िया, देखे कितनी किस्मत अच्छी हो तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, ठीक। 2025 × 11/28, दिस बेसिकली आया था 11 5 57 2 2 2 अपॉन 28, इतना काम तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, 2 2 2 2 7 5 अपॉन 28, ये आ जाएगा एरिया गेज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करिएगा, ये अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्या एक सवाल और लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई परेशानी की बात नहीं, थक तो नहीं रहे,
भैया दो में निपटवाना है अगर तो करना तो पड़ेगा ना, दो में तो निपटाना है। अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। गाड़ी देखी है सबने देखी, शीशे पे वाइपर देखा है सबने देखा है। अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक, दो कार के वाइपर्स, आखिरी सवाल है, मतलब 5 मिनट। दो मिनट बस, जस्ट रैपिंग। हाँ ठीक, एरिया ऑफ टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, बाकी सवाल तुम कर लेंगे। मैं आपके लिए बहुत आसान बना, दो वाइपर ओवरलैप है, दो वाइपर ओवरलैप नहीं कर रहे, ऐसा दिख रहा है, बात समझो। क्या निकालना है, कितना एरिया स्वीप कर रहा है, ऐसा दिखा रहा हूं, जानबूझ के ऐसा दिखा रहा हूं। कितना एंगल दोनों बीच में बना रहा है, 115 डिग्री, मैंने थोड़ा छोटा बनाया समझ जाएंगे। दोनों वाइपर की लेंथ कितनी है, 25 25, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। A car has two wipers which do not overlap, each wiper has a blade of length 25 cm, angle मिल गया, यही तो एरिया निकालना है बच्चों। सब तो है, सेक्टर है कि नहीं, पिज्जा का स्लाइस है कि नहीं है, बिल्कुल है। एरिया स्वेप्ट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 115 डिग्री, 115 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, 115 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25, कटा 4, बहुत बढ़िया, कटा 2, 11, 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू 7, 25 का स्क्वायर सबको याद होना चाहिए, 11 इंटू 6 25 बाई 14 ये भी सबको याद होना चाहिए, मैथ्स 55, 11 टू 22 5 27, 2 कैरी 11 6 66 268 अपॉन 14, अब इतना कर दिया है तो आपके लिए तो सब कर ही दूंगा, 14 4 the 56 45 70, दिस वुड आउट कम टू बी 4 127 ना, 14 9 the, अरे शाबाश, 491 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बहुत बड़े 491 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं लिखोगे तो बोलना मत परेशान हो जाओ, यूनिट नहीं लिखो फंस जाओ, बता रहा हूं। ठीक, दो ब्लेड एकदम ऐसे बना रहे, एकदम सेक्टर की तरह बना रहे, 115 डिग्री बीच में है, 25 सेंटीमीटर रेडियस की तरह काम कर रहा है, सब कुछ तो है, आर 25 सेंटीमीटर की तरह। कितने सवाल किए, 7-8 सवाल लिए, ये कुछ सवाल मैं कल आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और फिर तो अगला पार्ट और आखिरी पार्ट सेगमेंट ऑफ द सर्कल, वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो, दैट्स माय प्रॉमिस। वीडियो लंबी होगी तो देखेंगे, लेकिन कोशिश पूरी है कि खत्म कर दें। क्या किया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बहुत डिटेल में सारे फॉर्मूले कैसे आए हैं बताया मैंने आपको, ठीक, इस बात का ख्याल रखिएगा, कुछ भी रट के नहीं जाना है, समझ के जाना है, फॉर्मूले याद तो करना ही है लेकिन लॉजिक पकड़ लो, कहीं भूले तो फंसोगे नहीं, ध्यान रखना। दूसरी बात, सवाल में कैलकुलेशन की है, जितना मिनिमाइज कर पाओगे, सरफेस एरिया वॉल्यूम 9th में करते थे, अभी 10th में कराऊंगा अगला चैप्टर, जितना कैलकुलेशन मिनिमाइज कर पाओगे उतना की है, इस बात का ख्याल रखना। ठीक, दैट इज इट फॉर टुडे, वी आर बैक विद द क्लास 10th के लेक्चर्स, अब लगातार आते रहेंगे। मैं आपके समझ सर लेता हूं आपसे विदा, मिलूंगा अगले बात में, लेकिन जो हमेशा बोलते हैं, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भूलना नहीं है गाइस। वेरी थैंक यू फॉर ऑल द व्यूज दैट वी हैव बीन रिसीविंग, मिलते हैं आपसे कल अगले पार्ट में, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।